चलिए फिर नारियल का लड्डू बनाते हैं। उसके लिए मैंने 250 ग्राम नारियल पाउडर ली हूँ और 1 kg गोल्ड दूध सुधा वाला। 1 kg दूध को मैं 1/2 kg करके उसके बाद मैंने नारियल पाउडर डाल दी हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ खाली एक कागजी बादाम डालती हूँ। जब तक इसका पानी सूखने जाए जब तक मैं इसको गैस पर सुखाऊंगी। देखिए फिर इस तरह से इसको लगातार चलाते रहना है। जब लगे ये पानी सूखने पर है तो इसमें मैं ज्यादा नहीं गाय का देसी घी डालूंगी। ये भी मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। जो मलाई दूध का निकलता है ना फिर उसी से मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। आप इसमें मीठा भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे लोग को मीठा पसंद नहीं है, सब चीनी खाना ही पसंद करता है। आप चीनी आपके घर में जितने बच्चे खाते हैं उसी एक और डालिएगा। देखिए फ्रेंड मैं तो हल्का कम हल्का डालती हूँ। देखिए 4 चम्मच डाली हूँ। अब इसका गैस का स्लो कम कर दे रही हूँ। उसको पानी को सारा पानी को जला देना है। दूध वाला जो पानी है उसको सारा जला देना है। उसके बाद ठंडा होने पर ही आराम से अभी भी बंधा जाएगा फ्रेंड, लेकिन हाथ जलेगा ना इसलिए मैं ठंडा होने के बाद ही इसको लड्डू बनाती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। बाजार वाला तो इतना चीनी डाले हुए रहता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आप बनाइएगा तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, बच्चे का बड़े भी खा लेते हैं आराम से। इस तरह से आप घर पर ही मिठाई बनाएं। मैं ज़्यादा मिठाई घर पर ही बनाती हूँ फ्रेंड। काला जामुन हो, छेना हो, काजू बर्फी हो, ये सब ज़्यादा मैं घर पर ही बना लेती हूँ। लड्डू भी मैं घर पर ही बनाती हूँ, ये बहुत टेस्टी लगता है घर पर का बनाया हो। मुझे बनाने में बहुत अच्छा भी लगता है। जितना मैं खाने का शौकीन नहीं हूँ उतना मैं बनाने का शौकीन हूँ फ्रेंड। बहुत अच्छा लगता है हमको मिठाई या खाना बनाना। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए। देखिए देखिए इसमें मावा ऊपर से डालने का कोई जरूरत नहीं होता है फ्रेंड, इतना ही दूध में और ज़्यादा घी भी नहीं डालना पड़ा। तब ठीक है।
एक दो में एक महीना तक ले फ्रिज में आराम से रह जाता है, खराब भी नहीं होता है। वेरी नाइस। फ्रिज में डब्बा में करके रख दीजिए, बच्चे अपने निकाल निकाल के खाते रहते हैं। इसमें कम चीनी भी डला है, बाजार में तो ज़्यादा डुप्लीकेट ही रख डालता है। खोआ में भी तो क्या पता है क्या क्या डाल के वो लोग बनाता है, घर का जैसा टेस्ट तो लगता ही नहीं उसमें। ये देखिए फिर ये तैयार हो गया, ये ठंडा होने पर आप इसको कोई डब्बा में बनाकर इसको रख दीजिए इस तरह से। इस पर आप किशमिश भी सजा सकते हैं, फिर इस पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट लगा कर सजा सकते हैं। देखिए कितना चुपचुपा हो गया, थोड़ा सा ही मैंने इसमें, ये ठंडा होने पर लड्डू बनकर खाने के लिए तैयार हो गया। देखिए फिर इस तरह से आप इस पर किशमिश है, काजू है, कुछ भी लगा कर आप इसको सजा सकते हैं। अभी बहुत गर्म है, ठंडा होने पर आपको मैं बनाकर दिखा दूँगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। खाइए प्रिंट और खाइए। देखिए प्रिंट इसको इस तरह से आप बनाकर इस पे आज काजू किशमिश जो भी आपको लगाना है लगाकर सजाकर रख दीजिए। हम सिर्फ ऐसे ही बनाते हैं, इसमें हम सारा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और ऊपर से कुछ भी नहीं लगाते। ये मेरा मीठा वाला है इसलिए ये थोड़ा सा ब्राउन लग रहा है, चीनी वाला अलग से है और ये है मीठा वाला। मीठा वाला थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है फिर, लेकिन खाने में चीनी वाला से ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। एक बार बनाइए और फ्रिज में रखकर एक महीना खाइए। चीनी वाला व्हाइट व्हाइट लगता है देखने में।